तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज एक मुन्ना मैकेनिक की दुखद घटना कैसे हुई आपको हम लाइव दिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र यवतवाल के शेख इस्माइल उर्फ मुन्ना नामक युवक, जो कि फुल सावंगी गांव के रहने वाले थे, युवक का एक दर्दनाक हादसा होने के कारण अपनी जान गंवा दी। सूत्रों की माने तो मुन्ना एक कुशल मैकेनिक था जो एक गैरेज में काम करता था। पठन पाठन के साथ आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह 8वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए थे, लेकिन उसका सपना एक पायलट बनने का था। पर उच्च शिक्षा और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह एक गैरेज में बतौर कुशल मैकेनिक के तौर पर दीनी मजदूरी करते थे। पर उन्होंने एक कुशल पायलट नहीं बन पाने की चाह ने उसे एक कुशल हेलीकॉप्टर निर्माण करने की ठानी, और 2 साल की रात दिन की कड़ी मेहनत ने कुछ यूं रंग लाई कि कवार को जोड़ जोड़ कर उन्होंने एक हेलीकॉप्टर तैयार कर ली थी, और पूरी गांव के लोगों के बीच उन्होंने उड़ान भरने की तैयारी भी लगभग पूरी कर ली थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत सरकार के विशेष अनुमति लेने के बाद अपने खर्चे से हेलीकॉप्टर बनाया था। उन्होंने सफलतापूर्वक 10 मिनट की उड़ान भी पूरी की थी, जिससे उनकी हर जगह सराहना हो रही थी। बुधवार को बेंगलुरु से एरोनॉटिक्स की टीम आने वाली थी, लेकिन इससे पहले मंगलवार को उन्होंने एक बार फिर ट्रायल करने की सोची, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मुन्ना हेलीकॉप्टर को ट्रायल के लिए इंजन स्टार्ट किया और हेलीकॉप्टर के पंखा पिछले हिस्से से टकराने के कारण पंखा का ब्लेड मुन्ना के सर से टकराई, जिससे मुन्ना घायल हो गया। उसे हॉस्पिटल ले जाने के दौरान उनकी सांसें रुक गई। इस तरह हमारा देश ने एक हेलीकॉप्टर बनाने वाले कुशल बेटा को खो दिया। काश मुन्ना अपनी सुरक्षा वाली सारी सुविधा जैसे हेलमेट एप्रॉन पहने होते तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें, जिंदगी अनमोल है। किसी भी कार्य को करने से पहले अपनी सुरक्षा को नज़रअंदाज बिल्कुल न करें, संयम रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। Thank you.
¿Qué es lo que está haciendo? 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 ¿Qué es lo que